गबर इज बैक मूवी देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट है। लास्ट में तो गबर का इंट्रोडक्शन था भाई, सबको धमकी दी कोई भी करप्शन ना करे। देखते हैं आगे क्या होता है। अटेंडेंस ले लेते हैं। रहने दीजिए ना सर, एक दो ज्यादा ही निकलेंगे, आपकी क्लास कौन बंक करेगा? पक्की बात है? पक्का। चलिए छोड़िए, फाइव एलिमेंट से दुनिया बनी है और फाइव एलिमेंट से बॉडी, और उसी तरह फोर्स भी पांच तरीके से बना है। कोई बता सकता आप में से वो पांच तरीके कौन से हैं? नहीं, ध्यान से सुनिए। वो है टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। अगर हिंदी में उसे ट्रांसलेट करें तो उसे कहेंगे खिंचाव, दबाव, तोड़ मोड़ और घुमाव। नहीं पल्ले पड़ा? चलिए आइए आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं। ऊपर ध्यान से सुनो, दोनों पैर बिना हिलाए हाथ ऊपर करो, मुझे पुश करने की कोशिश करो। आज पढ़ाई लिखाई बंद है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दो बैल आपस में टकरा रहे? इसी दबाव को कहते हैं कंप्रेशन लोड। क्या कहते हैं वापस जोर से? परफेक्ट। तो पहले आपने टेंशन लोड सीखा और अब कंप्रेशन। डायलॉग बाजी बंद कर, चल ये चल पीछे चल, चल लो कॉलेज बंद नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? किसी गब्बर ने तहसीलदार को मार दिया है, ये स्टेट का कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? वो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, तब तक सब बंद। एग्जाम का शेड्यूल लग चुका, ये कॉलेज बंद नहीं होगा। अच्छा, कॉलेज बंद नहीं हो सकता? दौड़ दो रे साहब, चलो अब बंद हो जाएगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी। ये दादागिरी, ये है तीसरा फोर्स। ध्यान से सुनो तुम लोग, किसी भी चीज को दोनों तरफ से दबाओ और उसके टेंशन वाले पॉइंट पे प्रेशर डालो तो उसकी सीटी बच जाती है। तोड़ू? ठीक है, तोड़ने वाला फोर्स देखो। ट्विस्टिंग फोर्स के बारे में बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी क्लास पूरी कर रहा था सर। स्टॉप इट, लीव हिम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हर चीज में फिजिक्स काम में आती है, टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड द लास्ट वन, सॉरी आई कुडंट शो यू, ट्विस्टिंग। और तुम लोग भी सुन लो, इस कैंपस के अंदर पुलिस भी अलाउड नहीं है। तुम लोग तो सब गुंडे हो, आना भी मत, सोचना भी मत, समझे? क्या बोल रहे तो? कॉलेज गेट के अंदर पुलिस अलाउड नहीं है, तो फिर गुंडे कहां से आ गए? कॉलेज का गेट असल तर प्रॉब्लम है ना, गेट असल तर तोड़ो डाकर गेट। मैं कभी पढ़ाई नहीं की ना तुम लोगों ने, इसलिए कॉलेज का गेट तोड़ना चाहते हो। आओ बच्चों, एक एक करके तुम लोगों का अटेंडेंस लेता हूं। आओ क्या उम्र है तेरी, क्या उम्र है तेरी, क्या उम्र है तेरी, तेरी मालूम है मुझे। सर सर सर, उसने बोला था सर। मारते हैं।
दबंग वाला बड़ा है वो हराम का। नेशनल पुलिस तो क्या, मैं किसी भी कॉलेज के पास नहीं जाऊंगा। शाबाश, बहुत सीख लिया। क्लास डिसमिस्ड। मैडम आप पागल हैं क्या? Shut up. I need your car. Just wait. चलो घबराओ आराम से धीरे से। ओके मत घबराओ मत। What are you waiting for? दरवाजा खोलो। Come on. It's okay. चलो मधु आराम से बैठो प्लीज आराम से। तू सामान लेके हॉस्पिटल पहुंच जा ठीक है। कभी प्रेग्नेंट होने देखी नहीं क्या? जल्दी चलो क्लास लेती रहो। इट्स ऑल ओके। चलो कम ऑन फास्ट जल्दी लो आगे से लेफ्ट। कीप ब्रीदिंग राइट राइट लो और थोड़ी देर बस प्लीज होल्ड ऑन। आगे जाके लेफ्ट। आगे देखो क्या देख रहे हो? पार्टी से घर आए और इसके लेबर पेन शुरू हो गए। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कोई गाड़ी रोकने को ही तैयार नहीं था। थैंक गॉड कि तुम आ गए। सांस लेते रहो स्टॉप 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 इट प्लीज। लगता है इसका वाटर बैग यहीं पे ब्रेक हो गया है। मुझे इसकी डिलीवरी यहीं पे करनी होगी। तो तुम डॉक्टर हो क्या? नो आई एम अ लॉयर बट मैंने गूगल पे सब रिसर्च किया है। तुम गाड़ी से उतरो प्लीज। आर यू श्योर? लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। गेट आउट ऑफ द कार। उतरो गाड़ी से। ओके अभी रेडी। कम ऑन कीप ब्रीदिंग। कम ऑन। तो लो यार उठा दे क्या बाल है। मारो भी। ओके रेडी। ओके द पुश। वो नागपुर और पुणे की लिस्ट तैयार हो गई। ओके कीप इट रेडी। पर कितने नहीं आए बुड्ढा मेरी नई गाड़ी एक नहीं बैठेगा। पता नहीं कौन हां बोलता है मंदिर जा रहा हूं। कहते हैं ना फरिश्ते ऐसे ही आते हैं। बड़ा आराम है। ये डेविल सारे के सारे नौ तहसीलदार ऐसे ब्लैंक हो गए हैं जैसे किसी ने उनकी मेमोरी कार्ड को इरेज कर दिया हो। तीन दिन तक वो अंधेरे कमरे में कैद थे और फिर बाद में अचानक उन्हें छोड़ दिया गया। Now nobody is uttering a single word. सर, ये सब ऑफिसर लोग हैं। इनके साथ तो शक भी नहीं हो सकते। ये तो ऐसा है वो तो वैसा है। अगर किसी के पास कोई काम का आइडिया है तो बोलो। सर सर गेंटा है ये यार। तू क्यों हाथ उठा रहा है भाई? साहब कह रहे थे किसी के पास कोई आइडिया हो तो। बोल रहे तू? कॉन्स्टेबल साधुराम सर यादव जी का ड्राइवर हूँ। उनके लिए दवाई लाया था रजिस्ट्रेशन। फिर हाथ क्यों उठाया? सब मेरे पास आइडिया है। मेरे पास एयरटेल है। इधर इधर इधर। शाबाश अभी बेटे दवाई ले आया ना। अब एक काम कर छह प्लेट समोसे ले जा। जी दौड़ 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 दौड़
सर जिस तरह हर ऑफिस में एक ऐसा अब है साधु की औलाद, तू ड्राइवर है ना, ड्राइवर की तरह रह, जीप चला, दिमाग मत चला। सर मैं तो सिर्फ ओ हीरो जेम्स बॉन्ड समझ रहा है क्या अपने आप को? हीरो समझ रहा है? आईने में कभी अपनी सूरत देखी है क्या? चल चल निकल, चल निकल। सर एक मिनट के लिए अगर आप मेरी बात सुन ले। बहरा हो गया है, निकल यहां से, सुनो नहीं, निकल। सुन लो यार, वो बेटा कुछ बता रहा है आपको, क्या पता कोई काम की बात हो। नहीं सबों से लेके आया यार, यही होता है यार ऐसे इदारों में ना, चाहे पुलिस हो या कहीं भी हो, छोटे या जो काम करने वाले होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बाकी खिलाड़ी भैया को देखा यार, इस बार तो भबर शेर लग रहा है भाई, बड़ी दाढ़ी है और भाई एटीट्यूड है, बट थोड़ा फनी नहीं है इस बार। इस बार भाई सीरियस है, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ा रहा था, वो भी रियल में गुंडे आए तो उनको बता रहा है भाई ये पॉइंट है, ये ऐसा है। क्या बात है खिलाड़ी भैया, यार मज़ा आ गया आपको देखा ना, दिल खुश हो गया। खिलाड़ी की एंट्री ने भाई कमाल कर दिया, तो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है प्रोफेसर यहाँ पर यार, गुंडों को मार के उनकी धुलाई करके यार मज़ा आ गया, यही दमदार है भाई। खिलाड़ी में भी तो ऐसा ही था ना भाई जो हमने देखा था, और बालों को भी ऐसे स्टाइल ऊपर कर रहा है, वाह भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया। और खुद से तो काम नहीं होता, ये झक मार रहे हो, जो आइडिया दे रहा है ना उसको ही बोले जाओ संबोधन लेकर आओ। जटिली बेचारे की कितनी बेस्ती करी थी, वो भी क्या करे, वो भी अकलमंद है, इन गधों के बीच में फंस गया है बेचारा, आइडिया दे रहा है तो उनको नहीं दे रहे। बाकी गबर की जो फाइट देखी भाई, आज तो मज़ा आ गया देखकर, क्या लड़ा है भाई गजब, ऐसा मारा है उन कुत्तों को, और काला भैंस आधा जो पीछे से छुप कर मारा था उसको भी लास्ट में गुस्सा मार कर उसको भी निपटा डाला, मज़ा आ गया देख। पुलिस वाले पहली बार देखे हैं भाई, बड़े हरामी हैं, भैंसा तो बड़ा हरामी है, समोसे का चटनी भी ले आ भाई, सुनो तो सही अपने ड्राइवर की बात तो सुनो, क्या पता भाई बाद में दम हो, ऐसे ही हो जाओ, वो भी हरामी है, चाय तुम छोड़ो ऐसे बैठे हो, चाय वाय पियो, नहीं सवाल करना आइडिया है।